स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आयोजित की गई वैसी तीरंदाजी स्पर्धा का समापन किया गया। नर्मदा जिला के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा का समापन किया गया। नेशनल टूर्नामेंट समग्र देश के केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य मिलाकर वैसी 45 जितने टीम ने हिस्सा लेते हुए 320 जितने महिला और पुरुष तीरंदाजी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा एकता नगर स्थित गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी स्पर्धा का आयोजन किया गया। 45 टीम के कुल मिलाकर 320 जितने महिला पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय आर्चरी एसोसिएशन गुजरात, स्टेट आर्चरी एसोसिएशन, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हुए अलग अलग राउंड के तहत खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें इंडियन राउंड, रिकर्व बो यानी कि आधुनिक धनुष, कंपाउंड धनुष की स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग राज्य से खिलाड़ी ने हिस्सा लेने के साथ विश्व की नंबर वन तीरंदाज दीपिका कुमारी, ओलंपियर्स अता दास, अर्जुन ओवड़ी, अभिषेक वर्मा, रजत चौहान सहित 20 जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी ने भी हिस्सा लिया था, जहाँ ये स्पर्धा का आयोजन करने के भाग रूप आज आखिरकार इसका समापन किया गया। देश ना प्रधान सेवक, विकसित भारत ना स्वप्न दृष्टा एवा माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब नो ड्रीम प्रोजेक्ट केवड़िया केवड़िया खाते तारीख 9/3/2023 थी तारीख 17/3/2023 सुधी राष्ट्रीय कक्षा नी एनटीपीसी सीनियर नेशनल स्पर्धा नु आयोजन करवामां आव्युं। गुजरात में प्रथम वार आवुं आयोजन करवामां आव्युं, ते पण केवड़िया जेवी आंतरराष्ट्रीय कक्षा नी भूमि पर आ आयोजन करवामां आव्युं। अने आ टूर्नामेंट नी अंदर इंडियन राउंड नी अंदर 300 खिलाड़ी, रिकर्व नी अंदर 320 खिलाड़ी, कंपाउंड नी अंदर 335 खिलाड़ी, आम कुल 1000 नी आसपास खिलाड़ियों भाग लीधो अहींया आगळी। अने अहींया देश नी नंबर वन खिलाड़ी दीपिका कुमारी, अतनो दास, जैन तालुकदार, ગોલા બેનર્જી, રાહુલ બેનર્જી, આ તમામ અર્જુન એવોડી છે એવો પણ અહીંયા ભાગ લેવા આવ્યા, અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અભિષેક વર્મા અને આપણા રાજસ્થાનના ખેલાડી છે એ પણ અર્જુન એવોડી છે એ અહીંયા ભાગ લેવા આવ્યા, અને કેવડિયાની ભૂમિ પર એમને જે પ્રકારે અહીંયા અનુભવ થયા એ ખૂબ સરસ અનુભવ લઈને જાય છે, અને એમના પ્રતિભાવ પણ ખૂબ સારા રહ્યા કે દેશની અંદર પહેલી એવી ટુર્નામેન્ટ હશે કે જેમણે ખૂબ સારી રીતે આયોજન કર્યું। દેશના ખૂણે ખૂણે ફરનારા, વર્લ્ડના ખૂણે ખૂણે ફરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ખેલાડીઓ પણ આ સ્પર્ધા જોઈને ખૂબ પ્રભાવિત થયા। ટુર્નામેન્ટ કાફી અચ્છા રહા, એક્સપિરિયન્સ કા થોડા ફાયદા ઉઠાયા, ઓર સારી કેટેગરી મેં મેં ફાઇનલ્સ મેં હું 2 ગોલ્ડ અપ તક આ ચુકે હૈ, એક સિલ્વર આયા હૈ, ઓર અબ એક વ્યક્તિવ मतलब 1-on-1 मैच में अब मेरा फाइनल में हूँ मैं, तो उम्मीद यही है कि अच्छा रहेगा और अच्छा टूर्नामेंट रहेगा। तो तैयारियाँ हमारी बैक टू बैक चल रही हैं, पिछला साल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेके आए हैं हम, और 2 बार एशियन गेम्स के मैं बैक टू बैक मेडल लेके आया हूँ, 3 मेडल है मेरे, वर्ल्ड चैंपियन में 2 बार बन चुका हूँ। तो यही रहेगा कि इस साल भी वैसा ही अनुभव, अच्छा परफॉर्म करें हम और आने वाले सारे टूर्नामेंटों में जीत हासिल करें। इस साल इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन चैंपियनशिप भी है, और हमारे लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी है, तो सारे ही टूर्नामेंट्स इस बार हैं। तो टारगेट हम एशियन गेम्स को लेकर के चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओलंपिक एक कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, पहली चीज़, 4 साल में एक बार आता है और बहुत बड़ा पोडियम है, कोशिश कर रहे हैं। अब ओलंपिक को छोड़ के चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 4 साल में है, वर्ल्ड गेम्स हैं, आपकी एशियन चैंपियनशिप है, वो सभी में मेडल हैं। उम्मीद यही है कि इस बार निराशा नहीं होगी और अच्छे से गोल्ड लेके आएंगे। बट देखिए, अगर बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन उसके लिए सारे गेम इंपॉर्टेंट है, पर हाँ जिनको स्पोर्ट्स की नहीं है, वो मेन ओलंपिक सोचते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ओलंपिक गेम उनको निगाहों में रहता है उनके, पर ये रहेगा कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ दर्शकों के लिए भी इस बार अच्छा करेंगे और निराशा नहीं देंगे। तो भविष्य अब आज की डेट में बहुत अच्छा है, लाखों में आर्चर सब देश से निकल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एनटीपीसी जैसा स्पॉन्सर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो फॉर श्योर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हर जगह पे जॉब है, एकेडमिक में अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आपको सारी फैसिलिटी है, कैश इंसेंटिव्स हैं, सब चीज़ है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है आर्चरी का और बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, 2 महीने पहले ही मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे था, तो अब मैं यहाँ पे यूनिटी पे जब आया तो देखा वो उसके आगे छोटा सा है,
श्योर वो बहुत पुराना बना हुआ है, पर एक अपने आप में गर्व की बात है। मैं सारे वर्ल्ड में मतलब 50 से ज्यादा कंट्री में जा चुका हूँ, हर एक मॉन्यूमेंट देख चुका हूँ, पर जो हमारा मॉन्यूमेंट बना है ये एक बहुत बढ़िया और बहुत गर्व वाला विषय है कि इतना बड़ा मॉन्यूमेंट हमने बनाया है और अब इसको सिर्फ देशी नहीं विदेशी भी सारे देखने आएंगे। यस सर, मैं रजत चौहान अर्जुन मोड़ी और आज मैं राजस्थान पुलिस में उप अधीक्षक की तौर पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि ये यहाँ पे जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी प्रतियोगिता है, क्योंकि एकता नगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ आज इस टूर्नामेंट से भी जाना जाएगा, क्योंकि हम जो भी स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ खेलने आए काफी अच्छा फील हुआ, क्योंकि जो फैसिलिटीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी, जो होटल हमारा था, जो पुलिस विभाग ने प्रोवाइड कराया, और साथ ही साथ जो गुजरात सरकार का था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल की सुविधाएं थी और यहाँ खेल के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुजरात जो है वो बढ़ता हुआ और आधुनिक तरीके से मतलब सक्सेस होता हुआ एक स्टेट है, और हमें लगा कि हम बहुत अच्छी जगह खेलें।